पटनायक जी की पुस्तक भारत सूत्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हम इसके सेकंड टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत अब तक हमने जाना कि किस तरीके से विकास जो है वो आदिवासियों के विनाश के ऊपर खड़ा किया जाता है। संभ्रांत वर्ग को स्थापित करने के लिए आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है और दुनिया के लगभग हर देश में ये इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। और उसके साथ ही किशन पटनायक जी एक और जरूरी बात रखते हैं कि आदिवासी जो हैं वो अमूमन भोले होते हैं प्रवृत्ति से और अपनी लड़ाई लड़ने में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार वैसा नहीं है जैसे दूसरे वर्गों के बीच में है। लेकिन वहीं पर यदि आप मणिपुर की हिंसा के ऊपर नजर डालें तो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो वर्ग संघर्ष चल रहा है वो इस बात को साबित करता है कि वहां का कुकी समुदाय जो है वो शिक्षित वर्ग है और जहां भी शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा वहां पर लोग अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे और अपने अधिकारों को बचाने के लिए घरों के बाहर निकलेंगे ही। तब जो है एक गृह युद्ध की सी स्थिति बन जाती है कहीं भी। और कहीं जगहों पर तो हम देख रहे हैं कि सरकार द्वारा प्रायोजित इस तरह के दंगे होते हैं। यदि सरकार वहां का दौरा नहीं करती है, कोई बड़ा सरकार का मंत्री वहां जाकर चीजों को संभालने की कोशिश नहीं करता है, तब यही समझा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग की जो है इम्पोर्टेंस बताई है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग किसी भी देश में ईमानदार हो और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो और साथ में इतिहास का अच्छा विश्लेषण कर सकता हो तो चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से संभाली जा सकती हैं, लोगों के सामने रखी जा सकती हैं। और वहां पर मैंने आपको कहा था कि रतन जी एक इतिहासकार होने के साथ साथ बुद्धिजीवी भी हैं और समाज के प्रति एक निष्ठावान व्यक्ति भी हैं। वो जिस तरीके से चीजों को एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रखते हैं, सिंप्लीफाई करके, आप उस चीज से समझ सकते हैं कि इतिहास की और एक बुद्धिजीवी वर्ग के निष्ठावान होने की कितनी इंपॉर्टेंस होती है समाज में। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का एपिसोड ध्यान से सुनिएगा। ये जो वैश्विक संगठन सम्मेलन होते हैं ना, वो किस पर्पस से होते हैं? किशन पटनायक जी की ढाई दशक पहले यानी कि 1990 के दशक में लिखी गई इस पुस्तक का एनालिसिस जो है आप G20 समिट तक कर सकते हैं। ये जो वैश्विक संगठन होते हैं ये किस मंशा के साथ आपको अपने साथ मिलाते हैं? चलिए, दुनिया के अगले 50 साल में कई अभूतपूर्व घटनाएं होंगी। जैसे सोमालिया में, इथोपिया में हो रहा है, उसी तरह से भारत के बहुत सारे इलाकों में होगा। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि इन घटनाओं से देश हिल उठेगा या तूफान उठ खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि मौत करवाई जा रही है मौत के लिए, बल्कि मौत करवाई जा रही है विकास के लिए। आज जो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा है, उसके पीछे की जो टेंडेंसी है उसको समझे जाने की जरूरत है। कुकी लोगों से उनकी जमीन क्यों छीनी जा रही है? कौन सा विकास करना है और किसका करना है? ये प्रश्न तो बनता है। विकास की योजना के तहत ये स्वतः घटना है, इसलिए कोशिश हो रही है कि मनुष्य का जो मन है, बुद्धि है, वे भुखमरी के बारे में, जनहत्याओं के बारे में उदासीन हो जाए। ये सब बातें तो आप और हम अपने अंदर भी यदि झांक कर देखें, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। जब मणिपुर की घटना हुई थी, कुकी समुदाय की स्त्रियों के साथ जितनी निर्दयता से मैतेई समुदाय के पुरुष पेश आए थे, तब हम कितने द्रवित हुए थे। लेकिन बात आई गई हो गई और हम मणिपुर को भूल गए, हम नूह की हिंसा को भूल गए, हम बुलडोजर प्रकरण को भूल गए, हम डॉक्टर कफील के एफर्ट्स को भूल जाते हैं जो उन्होंने यूपी में बच्चों को बचाने के लिए किए। क्या याद हैं आपकी मेमोरीज में आज भी ये सब चीजें? मनुष्य इन सवालों से जुड़ी अपनी संवेदनशीलता खत्म कर दे। जिन दिनों ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में धरती सम्मेलन हो रहा था, उससे पहले सफाई हो रही थी रियो नगर की। जब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो तो महानगरों की सफाई होगी ही। रियो की झुग्गी बस्तियों वाले इलाकों में भी सफाई हुई। इन बस्तियों की सफाई करने गए लोगों ने वहां कूड़े के ढेर से कुछ बीन रहे बच्चों को गोली मार दी। अब G20 समिट जो है
वो 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में फिर से होने वाला है। अपनी नजर घटनाओं पर बनाए रखिए। उसी तरह जैसे इन महानगरों में आवारा कुत्तों को मारा जाता है, बच्चों को मार दिया गया, ये घटनाएं फिलहाल छिटपुट ढंग से हो रही हैं। अगले 50 साल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ये घटनाएं होंगी। 1990 के दशक से आज तक जो है वो 2.5 दशक बीत गया है या उससे भी ज्यादा का समय हो गया है और नतीजा हमारे सामने है। जो जो किशन पटनायक जी ने इस पुस्तक में लिखा है, अब जो आगे मैं पढ़ने जा रही हूं वो आपको ऐसा लगेगा जैसे आज के मौजूदा हालात के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। ये घटनाएं फिलहाल छिटपुट ढंग से हो रही हैं। अगले 50 साल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ये घटनाएं होंगी। यहाँ विकास की धारा इस निर्मम ढंग से चल रही है, वहां की राजनीति, वहां का प्रशासन कैसा होगा, यह केवल अनुमान का विषय है। संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उनकी प्रेस्टीजियस नेत्री जो है वो झूठ बोलती हैं, विपक्ष के जो नेता हैं उनको झूठे मुकदमे में संसद में खड़ी होकर वो फंसवा सकती हैं, ये जानते हुए कि संसद की सारे कार्यवाही मिनट्स के तौर पर जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। प्रशासन कैसे चलेगा, राजनीति कैसे चलेगी, जनतंत्र का क्या होगा, ये सवाल भला कौन पूछेगा। जाहिर है ऐसे विकास में जनतंत्र का कोई भविष्य नहीं है। किसी दूसरी चीज को जनतंत्र नाम दे दिया जाएगा। जनतंत्र जो है अब बड़ी जल्दी सेंगोल स्थापित होने के बाद राजतंत्र हो चुका है। अब फरमान जारी होते हैं, लोगों का उसके ऊपर क्या असर होगा ये भी जानने की सरकार को कोई जरूरत नहीं होती है। दुनिया में और जो कुछ चल रहा है उसे समझने के में अधिकांश लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बात तो समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो आधुनिक उद्योग है, आधुनिक सभ्यता है, उसका मौलिक आधार है कच्चा माल जो भूगर्भ से निकलता है। अब वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि खनिज पेट्रोल, कोयला, यूरेनियम, लोहा आदि 50-100 साल से ज्यादा उपलब्ध नहीं होंगे, अधिकतम मान लीजिए तो 200 साल। इससे ज्यादा भंडार है ही नहीं। भंडार खत्म होने से पहले ही इनमें कमी शुरू हो जाएगी। अगर जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ खनिज की कमी को जोड़कर कोई अनुमान तैयार करें तो ये दिखाई पड़ेगा कि एक अवधि के बाद, मान लीजिए सन 2020 के बाद, विकास की दर अपने आप घटने लगेगी। ये जो पश्चिमी विकास है ये तो औद्योगिक सभ्यता है और इसका टिकना तब असंभव होगा, तब टिकी रही तो बहुत ही अस्वाभाविक ढंग से टिकी रहेगी। वैज्ञानिक तौर पर नहीं, वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो सन 2030 से 2050 के आगे ये औद्योगिक सभ्यता नहीं टिक सकती। क्या दुनिया की जनसंख्या को खिलाने लायक अनाज पैदा हो सकेगा? आंकड़ों की भाषा बोलने वाले कोई सकारात्मक हिसाब नहीं लगा सकते हैं। आजकल बात बात पे करोड़ों में आंकड़े दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का लाल किला के ऊपर भाषण, वो झूठ आप पकड़ सकते हैं। वो वीडियो मैंने अपने वॉल पर, चाहे वो ट्विटर वॉल हो, चाहे फेसबुक वॉल हो, चाहे इंस्टाग्राम की वॉल हो, वहां पर उसको डाला था, जिसमें प्रधानमंत्री जी गलत आंकड़ा बोल जाते हैं कि 2 लाख, फिर एक पॉज, नहीं 2 करोड़। तो आंकड़ों में कितना बड़ा हेर फेरी ये करते हैं। आंकड़ों की भाषा बोलने वाले कोई सकारात्मक हिसाब नहीं लगा सकते हैं। ऐसा अवसर बहुत जल्दी आने वाला है जब यह प्रश्न उठेगा, क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम वापिस वेदों की ओर लौट रहे हैं? इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मनुस्मृति की तरफ लौट रहे हैं। तो दलित बहुजन समाज यदि संगठित नहीं होगा, जिसमें आप ST को भी इंक्लूड कर लीजिए, SC, ST, OBC यदि अब भी साथ नहीं आएंगे तो अपने हालत के जिम्मेदार वे खुद ही होंगे, ब्राह्मणवाद नहीं होगा। क्या जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग मान जाएंगे कि इसके देश की आज जो समृद्धि है वे घट जाएगी और वे नीचे उतर आए? समूची दुनिया पर, पूरे समाज में जो विपत्ति पड़ने वाली है, औद्योगिक उत्पादन में जो कमी होने वाली है, विकसित देश उस आशंका से परेशान हैं। तो ये जो G20 सम्मेलन हुआ है ना, इसको भी इसी लिहाज से समझिए कि विकासशील देशों की तरफ जो विकसित देशों का रुख है
वो क्यों है और किस नियत से है। समूची दुनिया पर पूरे समाज में जो विपत्ति पड़ने वाली है, औद्योगिक उत्पादन में जो कमी होने वाली है, विकसित देश उस आशंका से परेशान है। यूरोप के देश चाहते हैं कि इसका प्रभाव उनके देश पर नहीं पड़े, सारी विपत्ति एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका पर मढ़ दी जाए। इसीलिए विकसित देश दुनिया के अन्य देशों की राजनीति और उद्योग पर नियंत्रण कायम करना चाहते हैं, ताकि एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका को इस बलिदान के लिए तैयार किया जाए। तो भारत की जो जनता है वो भी बलि का बकरा है इस लिहाज से, ताकि आणविक हथियार बनाने वाले मुल्क अपने यहां का रेडियो एक्टिव कचरा गरीब देशों में डाल सकें। इन मुद्दों पर तीसरी दुनिया के मुल्कों में चर्चा नहीं होती है या छिटपुट ढंग से होती है। विकसित देशों में अगर चर्चा होती है तो बंद कमरों में, बहुत छोटे समूह में होती है। इस चर्चा को वे दुनिया में फैलाना नहीं चाहता। विकसित देश नहीं चाहता कि भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोग दुनिया के भविष्य के बारे में चर्चा करें। इन देशों का शासक वर्ग बिल्कुल बेखबर है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन वह इसको जनसाधारण की चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता है। यहां तक कि संसद में चर्चा किए बगैर अध्यादेश के द्वारा विश्व व्यापार संगठन का तथा पेटेंट अधिनियम के संशोधन का कानून जारी कर दिया जाए। क्या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री यह नहीं जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च में कटौतियों के कारण विकासशील देशों में निरक्षरों और व्याधिग्रस्तों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। अशिक्षित और अंधभक्तों की जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ चुकी है। 1990 के दशक में लिखी गई इस पुस्तक की बातें आज बिल्कुल हमारे सामने सच बनकर खड़ी हैं। क्या वे नहीं जानते कि गैट संधि के परिणाम स्वरूप पेटेंट कानून में संशोधन से दवाइयों का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा और दरिद्र श्रेणी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। छोटे और स्थानीय उद्योगों के विनाश से बेरोजगारी बढ़ेगी तथा अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग के कारण शिक्षित युवाओं के लिए भी रोजगार का अवसर सिकुड़ जाएगा। 80 के दशक में शुरू किए गए ढांचागत सुधार कार्यक्रम यानी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के सारे प्रयोग असफल होने के बावजूद गैट संधि के द्वारा सारे गरीब पिछड़े देशों को उसका घूंट पिलाने के विकसित देशों की जिद का आखिर कारण क्या है? कारण बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन मीडिया के द्वारा प्रचारित बातों से अलग हटकर कोई बात जब कही जाती है और उसकी सच्चाई कमजोर लगती है। ऐसा एक कमजोर सत्य विद इन ब्रैकेट, परंतु इस युग का सबसे महत्वपूर्ण सत्य ब्रैकेट क्लोज, यह है कि आधुनिक समृद्धि का आधार खिसकता जा रहा है। प्रकृति अर्थात परिवेश का ह्रास, खनिजों का ह्रास, आर्थिक विकास का ह्रास अनिवार्य है, जो 20वीं सदी के प्रथमार्ध में ही एक ढलान पर दिखाई देगा। विकसित देश भी आर्थिक ह्रास की चपेट से मुक्त नहीं होंगे, लेकिन उनकी साजिश है कि सभी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर उनका वर्चस्व हो जाए। और तो मानव सभ्यता पर आने वाली इस विपत्ति को तीसरी दुनिया के देशों में केंद्रित कर दिया जाएगा। भीषण बर्बादी से, बीमारी, भुखमरी और गृह युद्ध से तथा जलवायु के परिवर्तनों से करोड़ों की संख्या में लोग मरेंगे। जगह जगह जो है वो बाढ़ आती है, इतना भूस्खलन हिमाचल में हो रहा है और लगातार हो रहा है, लगातार वहां बारिश हो रही है, लेकिन सारी न्यूज जो है वो सिरे से गायब है हर न्यूज चैनल से। बीच में कुछ दिन आई लेकिन अब नहीं, जबकि हालात हिमाचल में आज भी वही हैं, आज भी भूस्खलन हो रहा है। जगह जगह सुरंगें खोद कर जो है नदियों का पानी उन सुरंगों में जाकर तबाही मचा रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। बची हुई धरती पर पश्चिमी विकसित देशों का साम्राज्य होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस तरह उत्तर अमेरिका गोरे लोगों का हो गया, उसी तरह सारा विश्व उन्हीं का ही वास स्थान हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन बनाने के पीछे ये दिमाग काम कर रहा है। आप चाहें तो इसको एक राक्षसी सोच कह सकते हैं। G20 समिट जब पहली बार हुआ था वो 1999 में हुआ था, और उस वक्त भी भारत ने उसमें पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ कर किया था, और उस वक्त भी इस देश में भाजपा की ही सरकार थी, और पहली बार ये
2023 में भारत जो है इतना सक्षम हो पाया है कि G20 समिट को अपने यहाँ करवाए, उसके पीछे किए जाने की जो मंशा है, G20 में क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी, क्यों बड़े पैमाने पर बिजनेस टाइकून्स को इनवाइट किया गया भोज में, क्या वजह थी, इन सब के ऊपर क्या आप बिल्कुल चर्चा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल सोचना नहीं चाहते हैं, मंथन नहीं चाहते हैं? आपकी और हमारी जिंदगियां जो हैं, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है, तब भी क्या आप आंख मूंद कर ही बैठे रहेंगे? G20 समिट इसी नजर से देख सकते हैं आप, और मैंने इसके ऊपर छोटा सा कुछ नोट बनाया है कि क्यों है, उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। ध्यान से सुनिएगा, पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा था इस बार 2023 में, और वो भी स्वयं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? G20 का पहले तो मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 20, जिसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के देश जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। मतलब एक तरफ पूरा विकासशील देश हैं और एक तरफ पूरी तरीके से विकसित देश हैं। और इसमें जो तीन प्रमुख सत्रों में ये होगा, और क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी इसमें, स्वास्थ्य संकट से जुड़े वृहद आर्थिक वैश्विक विकास, पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों के समाधान, वैश्विक स्तर पर सतत विकास को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा हो रही है इसमें। अब तो खैर समाप्त हो गया है, G20 का स्थायी स्टाफ नहीं होता और ना ही इसका हेडक्वार्टर ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका कोई स्थायी ऑफिस नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की जो नियत है, जो मंशा है, वो शोषण करने की है। कोई स्थायी ऑफिस नहीं है, कोई स्थायी स्टाफ नहीं है, इसका कहीं हेडक्वार्टर भी नहीं है। विकासशील देशों की आर्थिक सहायता, क्रिप्टो करेंसी के लिए नए नियम, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर, जलवायु परिवर्तन वगैरह 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 इसके डिस्कस किए जाने के मुद्दे हैं। और ये सारे मुद्दे अभी किशन पटनायक जी ने ऊपर जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ा है उसमें लिखे हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की मंशा क्या होती है विकसित देशों की, और क्यों ये विकासशील देशों को चुनते हैं इन संगठनों के अंदर। तैयार रहिए, आने वाला भविष्य बहुत भयानक भी हो सकता है। इसके अलावा भी G20 समिट में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि इनका आपस में कोर रिलेशन है। जैसे कि सबसे पहले मैं लेती हूँ, जनवरी 2023 में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी के खिलाफ, उसको दबाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रपंच नहीं रचे थे। उसके बाद मणिपुर की हिंसा क्यों हो रही है, क्यों अडानी को इतने बड़े पैमाने पर मणिपुर में जमीन सैंक्शन की गई है, G20 समिट में कितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को बुलवाकर उनको बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये सब आपस में जुड़ी हुई घटनाएं हैं। कभी भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ये चर्चा नहीं हुई कि उसमें LIC SBI वगैरह का पैसा जो था वो क्यों लगाया गया था अडानी के लिए। इन सब चीजों के ऊपर क्या विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता? क्या विपक्ष के मैनिफेस्टो में इन सब चीजों के ऊपर चर्चा को मुद्दा बनाया जाना नहीं होना चाहिए? उसके बाद ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के फिलहाल प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर भी ये मीडिया जो है बड़ा जोर शोर से दिखा रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, जबकि असल में उन्होंने प्रधानमंत्री का पोस्ट संभालते ही ब्रिटेन में घोषणा कर दी थी कि वे बीफ एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने वाले हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2018 का जो पिंक रेवोल्यूशन है उसके ऊपर आप जरूर सर्च कीजिएगा कि वो क्या है। शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना ही बता देती हूँ कि 2018 में भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 4 कंट्रीज में से एक था। उससे पहले कभी भी वे इस पदान तक नहीं पहुंचा था, और ये सब कुछ मोदी जी की अगुवाई में संभव हो सका है कि बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया जो है वो टॉप 4 कंट्रीज में से एक था। पिंक रेवोल्यूशन के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है उसके बारे में पता कीजिएगा। तो ऋषि सुनक के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर अडानी अपने बिजनेस को फ्लरिश करने की बातें सोचते हैं, वही सोच लेकर जो है ऋषि सुनक भी चलते हैं और राजनीतिक जीवन में अब तक चले हैं। तो जिस तरह का जो नजरिया अडानी का अपने ही देश के प्रति है, वही नजरिया ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी भारत को लेकर हो सकता है। और यहाँ का मीडिया उन्हें जिस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है वो भी अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। मेरी बातों से उसे कोरिलेट करके देखिएगा तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी नजर आएगा। इन्हीं सब मंथन के साथ अब मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, लेकिन आप अपना मंथन इन सभी बातों पर जारी रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरे सोशल मीडिया पर इसे स्प्रेड भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक धन्यवाद।